ये है सोशल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं ICN न्यूज, सत्य सटीक विश्वसनीय। नमस्कार, ICN न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ललित मुकाती आपके साथ। आज की प्रमुख खबर मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण से जुड़ी हुई है। हाल ही में OBC आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस में तनातनी का माहौल है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने जानबूझकर OBC वर्ग को पंचायत चुनाव से बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुना है। इसी के अंतर्गत भाजपा युवा मोर्चा जिला सीहोर के अध्यक्ष भूपेंद्र पाटीदार के निर्देश पर भाजपा युवा मोर्चा इछावर के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के नेताओं का पुतला आज नगर इछावर में जलाया गया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जहां हमारी पार्टी OBC आरक्षण लागू कर चुकी थी, वहीं कांग्रेस ने कोर्ट में चुनौती देकर OBC वर्ग के साथ विश्वासघात किया है। पुतला दहन के कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा, मंगल पांडे, सचिन भाई जी सहित बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मिलित थे। दूसरी खबर नगर मुख्यालय से है। श्री शिव महापुराण की कथा में भारी संख्या में श्रद्धालु गण धर्म लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। महामंडलेश्वर यशोदा नंदन पंडित अजय पुरोहित जी के मुखारविंद से भव शिव महापुराण का कथा का आयोजन नगर की रंबाबाई राठी धर्मशाला में किया जा रहा है। आज परम पूजनीय पुरोहित जी ने भगवान गणपति और कार्तिकेय की परिक्रमा के अद्भुत प्रसंग से माता पिता की सेवा के वृत्तांत का वर्णन कर सभी को भाव विभोर कर दिया है। देखते रहिए ICN न्यूज। ICN न्यूज के लिए सीनियर जर्नलिस्ट परवेश खान एवं ललित मुकाती की रिपोर्ट। कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, यानी जिस मर्म को वाल्मीकि जैसे विद्वान नहीं जान पाए, उस मर्म को केवट ने एक पल में जान लिया। अब यहां पर जो माता पिता ने गणेश जी और कार्तिकी जी से कहा था कि धरती की परिक्रमा करो, इस मर्म को किसने जान लिया? कार्तिकेय नहीं जान पाए, लेकिन मर्म किसने जान लिया? गणेश जी ने जान लिया। और तुरंत चूहे पर बैठे और किसकी साथ प्रदक्षिणा कर ली? अपने माता पिता की साथ प्रदक्षिणा कर ली। और साथ प्रदक्षिणा करके फिर भगवान शिव पार्वती ने माता पिता से कहने लगे कि मैंने मेरा काम कर लिया, ब्याह करो मेरा। तो भगवान राम, भगवान शिव ने कहा कि तुमने कैसे परिक्रमा कर ली? हमारे आसपास केवल सात प्रदक्षिणा करी और कहता धरती की परिक्रमा कर ली। तो फिर जो गणेश जी ने बात करी है उसको जरा सुनना। ये जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, जो जवान हो गए, जो माता पिता का अपमान करते हैं, उनको ये कथा जरूर सुननी चाहिए। ये कथा नहीं सुना रहे कथा वाचा, केवल गणेश जी ने परिक्रमा कर ली, फिर गणेश जी बना दिए, तो फिर रिद्धि सिद्धि बना दी, उनका ब्याह करवा दिया, ब्याह करवा के खूब आपसे चढ़वा दिया, ये करवा रहे हैं। लेकिन कथा में जो मर्म छुपा है वो मर्म नहीं बता रहे हैं। जब पूछा भगवान शिव ने कि तुमने हमारी परिक्रमा कर ली तो उससे क्या लाभ? तो अब देखो गणेश जी क्या कह रहे हैं। पित्रोक्ष पूजनम कृत्वा प्रकांति च करोति यः, तस्य वे पृथ्वी जनन फलम भवति निश्चितम्। गणेश जी कह रहे हैं कि जो अपने माता पिता की पूजन करे और पूजन करने के बाद उनकी परिक्रमा कर ले, केवल एक, सात परिक्रमा की बात को छोड़ो, केवल एक परिक्रमा कर ले, तो उसको पृथ्वी सहित पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं उन सब की परिक्रमा करने का पुण्य घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। ये बात नहीं। सत्य सटीक एवं विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।
यदि आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं Instagram पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह है सत्य सटीक विश्वसनीय।